राधे राधे, कैसे? राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह की ये बहुत ही खूबसूरत ऊन से बनी ठंड में पहनने के लिए ये पगड़ी बनाएंगे। ये पगड़ी हमने बिना क्रोशिया और बिना सिलाई के इस्तेमाल के बनाई है, जिससे जिन्हें बुनाई नहीं आती वो भी कान्हा जी के लिए अपने हाथों से इस तरह की पगड़ी बना सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह से हम ये डोरिया बना लेंगे। ये हमने 12 धागे से बनाई है, ये हमने 9 9 धागे से बनाई है डोरियाँ। अब हम इन्हें आपस में सिल देंगे। इस तरह से उल्टी साइड इनकी रखेंगे और धागा ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग कलर की डोरी हैं तो इसलिए हमें इसका सिर्फ बैक साइड पे यहाँ पे सिलाई करनी है, आगे सिलाई ना दिखे। इस तरह से ये जो देखेंगे आप, इस तरह से ये तीन तीन ये आरी होते हैं, तो लाइंस, तो ये हमें से पीछे से उठाना है इस तरह से ऐसे, और ये हमें कस के खींचते हुए सिलना है जिससे ये एक कपड़े की तरह हो जाए। ये डोरियां आपस में अच्छी तरह से सिल जाएं, ऐसे हमें ये सिल देनी है। और ऐसे ही हम ये पिंक कलर की भी डोरी यहाँ पर सिल देंगे। इस तरह से पट्टी बना ली है और आपस में इन्हें सिल लिया है। सिलने के बाद ये इनकी लंबाई हमने रखी है 6 इंच। 6 इंच लंबी हमने ये पट्टी ली है। अब हम इन्हें इस तरह से रखेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और जो सीधे हाथ में है हमारे, पहले इसे इस तरह लगा देंगे, इधर इस तरह से, फिर जो उल्टी तरफ है इसे इधर लगाएंगे ऐसे इस तरह से। अब इस तरह से पकड़ने के बाद अब हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पगड़ी की शेप होगी इस तरह से। अभी इस तरह से लगाने के बाद हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ये हमें सिर्फ पीछे से टांका लेना है जिससे बाहर इसकी सिलाई दिखाई ना दे ऐसे। इसे इस तरह से सिलते जाएंगे। कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन के लिए कोई भी पैच वगैरह लगा सकते हैं। हम यहाँ पर बीचों बीच में ये
इस तरह से ये नक्का ठप्पा ये पैच लगा रहे हैं, और इस तरह से चाहें तो यहाँ पर भी साइड में कुछ आप लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें उस तरह से आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। हम इसे सिंपल रख रहे हैं, और इस तरह से इस पर बस एक एक हम साइड में घुंघरू लगा रहे हैं ऐसे। भी हमारे कान्हा जी की प्यारी सी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये हमने साइज 2 साइज 3 के हिसाब से बनाई है। साइज 3 कान्हा जी के हिसाब से ये बिना बाल के उनके बिल्कुल फिट आएगी। आप कान्हा जी के सिर का नाप लेके उस हिसाब से ये कान्हा जी के हिसाब से पगड़ी बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़े कान्हा जी की बनाए तो जैसे हमने 3 लाइन जोड़ी हैं तो यहाँ पर 3 पट्टी की जगह 4 पट्टी आप जोड़ें, जिससे ये कान्हा जी की एकदम परफेक्ट आए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैया कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेज एक्सेसरीज फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल के राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।